आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बेस है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले भी सर यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप। क्या मतलब आपने जो फौजी बेस चलाई सर, वो फौजी बेस से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया मैं, मतलब पेपर फौजी बेस से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ मैं, मैंने आप ही से पढ़ा है फौजी बैच सर। आप लोग शुरू करवाए बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। SSC GD 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ SSC मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी, अब पाइए SSC GD 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें SSC मेकर का फौजी बैच और करें SSC GD में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और SSC मेकर ऐप डाउनलोड करें। गुड इवनिंग, कैसे आप सभी। मैं अश्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार SSC मेकर में। एक बार बताएंगे, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप, जल्दी से बताइएगा, है ना, जल्दी से बताएंगे सुन पा रहे हो आप। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री राम। चलिए भाई बहुत बढ़िया, एक बार सभी बच्चे मिलकर सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ये क्लास हम डिस्कस करते हैं SSC GD, अग्निवीर और बिहार SSC के लिए, जो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है भाई। तो एक बार सभी बच्चे ज़ोरदार तरीके से जुड़ जाइएगा, है ना, और ये क्लास काफ़ी आपका हेल्प करने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स को देखते हुए, ठीक है। चलिएगा, कैसे हैं भाई, किरण, रीनू, अंकित, अतुल, उमेश, पूजा, हार्दिक, दीपक, अजीत, पंकज, दीपक मिश्रा, आशीष, नेहा, तुलसी, रिनी, कलवा, कवि, निशांत, शिवम, शिवानी रॉय, शिवा, मोनेन्द्र सिंह, तनु, हीर, हिमांशु। चलिएगा, एक बार सभी बच्चे जुड़ेंगे फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका ALP रेलवे RRB टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज़ हो चुका है। तो जो बच्चे रेलवे को लेकर टारगेटेड हैं वो अभी से जुड़ जाएं, इंतज़ार मत कीजिए कि फॉर्म कब आएंगे, है ना, कब हम उसको अप्लाई करेंगे तब जाकर स्टार्ट करेंगे, आपको जुड़ जाना है ना उसको। बहुत जल्द ही आपको यहाँ पर बैच मिलने वाला है भाई। CBT 1 और CBT 2 के लिए पायलट बैच आपके लिए यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, जिसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशंस आपको यहाँ पर दिया जाएगा। चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, एक बार सभी बच्चे मिलकर सेशन को लाइक करेंगे। हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है, है ना, जो डोंगरी उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो क्वेश्चन यही आपसे बन जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है भाई, कहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश भी याद रखना है। अब पूछ रहा है कि कौन सा समुदाय इसको मनाता है, यहाँ पर चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं या फिर हिंदू हैं। तो ये आपका जो हिंदू समुदाय है वही इसको मनाता है जो डोंगरी उत्सव है। अच्छा, डोंगरी क्या एक भाषा भी है, क्या बता सकते हैं कहाँ पर बोली जाती है ये भाषा, डोंगरी भाषा जो है ये कहाँ पर बोली जाती है बताएंगे। सिख नहीं है, सही आंसर हो जाएगा हिंदू, है ना, हिंदू। और हिंदू को पहले जो नाम पढ़ा, हिंदू नाम जो पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, हिंदू जो नाम पढ़ा है ये सिंधु नदी, है ना, सिंधु नदी के किनारे जो व्यवस्था या सभ्यता पली बढ़ी, है ना, सिंधु नदी के किनारे जो व्यवस्था पली बढ़ी, है ना, पली बढ़ी। तो जो यूनानी लोग थे, है ना, जो यूनानी लोग थे वो सैको है बोला करते थे, क्या बोला करते थे, सैको है बोला करते थे, तो वो सिंधु को हिंदू कहते थे। और यहाँ पर जो व्यवस्था पनपी इसको हिंदू सभ्यता नाम दिया गया,
या हिंदू लोग इसको यहाँ पर कहा जाने लगा, हिंदू समुदाय इसको कहा जाने लगा। क्लियर हुआ यहाँ तक डाउट किसी को, है ना? तो डोंगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? भाषाओं से भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कोंकणी भाषा आपसे पूछ ली जाएगी, भाई कोंकणी भाषा ये कहाँ पर बोली जाती है ना? तो ये कोंकणी गोवा की भाषा है ना? जैसे आपसे पूछा जा सकता है खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है ना, भगेली कहाँ पर बोली जाती है ना, भोजपुरी कहाँ पर बोली जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है भाई। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, टॉपिक से हटकर है, लेकिन फिर भी आप बताएंगे। अभी आपने देखा होगा 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया, इसमें तीन देशों से कितने समुदाय के लोगों को, तीन देशों से आए कितने समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दिया जाने का प्रावधान है ना? कितने समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता दिया जाने का प्रावधान है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और उनको रहते वहाँ पर कितने हो चुके हैं, 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे कितने समुदाय के लोग हैं जो कि तीन देश से आए, ये तीन देश कौन कौन से हैं ये भी समझ लीजिएगा, ये तीन देश कौन कौन से हैं। इसमें आपका क्या आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, है ना, बांग्लादेश आ जाएगा, इसमें आपका पाकिस्तान आ जाएगा, है ना, पाकिस्तान आ जाएगा, और इसमें आपका क्या आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा। तो इन तीन देशों से 6 समुदाय के लोग, है ना, 6 समुदाय के लोग जो वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर अल्पसंख्यक थे, और वो भारत आ जाते हैं 2014 में, तो 6 समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसमें कौन सा समुदाय नहीं है, तो भाई ये मुस्लिम समुदाय उसमें शामिल नहीं है। कौन सा समुदाय, मुस्लिम समुदाय उसमें शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बातें समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो बताइएगा भाई। ठीक है, कल एक क्वेश्चन था जो बांध वाला क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, कल उसको सही कर लेना। बांध वाला जो क्वेश्चन था इसका सही आंसर कावेरी होगा, और एक सर्विस टैक्स वाला जो क्वेश्चन था, है ना, सर्विस टैक्स, इसको सही करेंगे, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है, इसको सही कर लेना भाई, है ना, इसको सही कर लेना, इन दोनों क्वेश्चंस को, बांध वाला क्वेश्चंस को और इनडायरेक्ट टैक्स को, इनडायरेक्ट टैक्स को भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, जिसको हम नेडार कहा, का एक परिदृश्य नहीं है? सीखने को प्रतिबंध करना, सीखने का विकास करना, सीखने में मदद करना, या फिर सीखना, तो नेडार का इसमें क्या ऑप्शन नहीं है? ठीक है ना, आगरा में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है भाई, आगरा में क्या बोलते हो आप? वॉइस प्रॉब्लम, क्या वॉइस प्रॉब्लम है? क्या वॉइस प्रॉब्लम है क्या भाई, एक बार चेक करेंगे। हाँ चलिए भाई, ध्यान रखेंगे सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 2021 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर एक योजना शुरू की गई, जिसमें सीखने का विकास करना, है ना, जिसमें सीखने का विकास करना इसका एक परिदृश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पानीपत का तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था? यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बनेंगे भाई, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको बनने वाले हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कर रहा है, चेक कीजिएगा एक बार सही। चलिए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। कब लड़ा गया, 1761 में लड़ा गया, जिसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, किसके, मराठा व अब्दाली के बीच में लड़ा गया है, अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया है, ध्यान रखेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध इसको कहा जाता है। अब बात आती है इसमें जीता कौन था, अहमद शाह अब्दाली इसमें जीता था, लेकिन आपसे पूछ रहा है
क्या पूछ रहा है कि मुगल सम्राट कौन था, है ना, मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह था, बहादुर शाह जफर था, अकबर था, या फिर शाह आलम था, या फिर शाह आलम था। तो इसमें शाह आलम द्वितीय शामिल था भाई, शाह आलम द्वितीय इसमें शामिल था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, 1556 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 1526 और 1556, जिसमें आपको याद रखना है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। किसके, बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच में, है ना, बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच में ये लड़ा गया था। वहीं पर याद रखना, ये 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, किसके, अकबर व हेमू के बीच में, अकबर व हेमू के बीच में ये लड़ा गया था। बातें समझ में आ रही है आपको, है ना, दोनों क्वेश्चंस को याद रखना है, दोनों क्वेश्चंस को याद रखेंगे, हाँ, 56, 26 और 71, ठीक है। आवाज आ रही है, चेक करिएगा, तो आधार एक आवश्यक टूल हो जाता है, है ना, आवश्यक टूल हो जाता है, बताएंगे भाई, ठीक है, चलिए। चलिए आवाज सही आएगी, अब एक बार चेक करेंगे, आवश्यक टूल हो जाता है भाई। चलिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, है ना, जो आधार अधिनियम 2016 धारा 7 के तहत अगर आप केंद्रीय योजनाओं, कितनी योजनाओं का अगर लाभ लेना चाहते हैं, तो इसमें आधार अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसी 318 योजनाएं हैं, कितनी हैं, ऐसी 318 योजनाएं हैं जिनके लिए आपको आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, है ना, आधार कार्ड जो है ये अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि बैंकों में भी इसको अनिवार्य कर दिया गया है, अगर आपका बैंक में केवाईसी नहीं है तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, लेन देन में प्रॉब्लम होना लगेगा, ठीक है ना। जैसे आपका जीएसटी रिटर्न फाइल आप करना चाहते हो, उसमें भी आपका आधार लिंक्ड होना चाहिए आपके पैन कार्ड से, ठीक है ना। इस तरह की बहुत तमाम योजनाएँ हैं, अभी ये 318 हैं, ये धीरे धीरे बढ़ रही हैं, ठीक है ना, और जगह भी आधार को अनिवार्य किया गया है। तो ये योजनाओं को आपको याद रखना है, है ना, कि वही कहाँ कहाँ पर जो बेसिक सी योजनाएं हैं, है ना, नॉर्मल केवाईसी में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आती रहती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदाशाना सभा या रिलीजियस फ्रॉम एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने रहनुमाई मजदायाशान सभा का उद्घाटन किया था या स्थापना की थी, मोहम्मद इकबाल हैं, केशव चंद्र सेन हैं, दादा भाई नौराजी हैं, या फिर आत्माराम पांडुरंगा हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वंस ऑफ फाउंडर ऑफ रहनुमाई मजदाशाना सभा और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, है ना, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के बारे में भी बात हो सकती है। तो ये किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। कौन हैं दादा भाई नौरोजी, जिनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्या कहते हैं, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है भाई। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट किसी को जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पारसी समुदाय से संबंधित थे, किससे, पारसी समुदाय से ये संबंधित थे, और इन्होंने ही निकासी, धन निकासी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।
धन निकासी सिद्धांत, समझते हो ना इसको, धन निकासी सिद्धांत को किसने सबसे पहले बार दिया, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। अब ये क्या है भाई, इन्होंने ये बताया था कि भारतीय संपत्ति का कैसे दोहन किया जा रहा है ना, भारतीय संपत्ति का दोहन भारतीयों के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन उसका जो दोहन है वो भारतीयों के काम नहीं आ रहा है। बातें समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी के भारतीय लोगों की संपत्ति का या भारतीयों का शोषण किया जा रहा है, किस नाम पर, कि हम ये टैक्स जो वसूल कर रहे हैं ये आपकी भलाई के लिए है ना, हम विकास करेंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, सड़कें देंगे है ना, कृषि में विकास करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारा जो पैसा लूट कर कहाँ ले जाया गया, ब्रिटेन ले जाया गया। तो इन्होंने बताया कि इसको कैसे लूटा गया, सबसे पहले धन निकासी सिद्धांत है ना, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, वैसे तो अगर देखा जाए हड़प में ही इसको माना जाता है ना, तो ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था। बातें समझ में आई आपको, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, कब हुआ था चंपारण आंदोलन। ऑप्शन है आपके सामने है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1920 हो जाएगा, 1923 हो जाएगा, 17 या फिर 1914 हो जाएगा। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1914 से लेकर 1917 तक लड़ा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक ही लड़ा था है ना, ये ड्यूरेशंस आपको याद रखनी है। तृतीय वर्ल्ड वॉर जो हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये कब हुआ भाई बताएंगे। तीसरा विश्व युद्ध कब हुआ था बताइएगा जल्दी से, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1917 सही आंसर हो जाएगा, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह है ना, पहला सत्याग्रह है, ध्यान रखिएगा, क्लियर यहाँ तक। दूसरा 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन लाया गया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर हुई थी, ठीक है ना। 1923 में एक पार्टी की स्थापना की गई थी, आपको शायद याद होगा, ये चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने की थी, व मोतीलाल नेहरू ने की थी। आप बता सकते हैं ये कौन सी पार्टी इन्होंने स्थापित की थी, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 1914 में क्या हुआ था, विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, बताएंगे भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था भाई है ना। अच्छा दो याद है बताएंगे, अच्छा थर्ड हुआ कहां है, आपको नहीं पता चला थर्ड वर्ल्ड वॉर का, तीसरा नहीं पता, अच्छा हाँ 1938 से लेकर 1971 तक तीसरा हुआ था, बहुत बढ़िया है ना। तीसरा कब हुआ था, 1937 से लेकर 1971 तक, ठीक है चलिए, तीसरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता था, 1921 से लेकर 1951, 1951 से लेकर 1981, 1931 से लेकर 1961, 1981 से लेकर 1921, तो जो सबसे ज्यादा जनसंख्या विस्फोट के रूप में किस वर्ष को जाना जाता है भाई बताइएगा जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। चार ऑप्शंस है, जनसंख्या अवधि के दौरान, किस अवधि के दौरान जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई, ये 51 से लेकर 81 तक हुए, आजादी के बाद ये थोड़ा इन्होंने फ्री महसूस किया अपने आप को है ना, ये क्या हो गए भाई 1947 में इन्होंने आजाद हो गए, उसके बाद ये थोड़ा फ्री महसूस किया भारतीय लोगों ने, और इन्होंने क्या किया, तीव्र जनसंख्या वृद्धि है ना, तीव्र जनसंख्या वृद्धि इन्होंने यहाँ पर प्रारंभ कर दी, और कंडीशन ये है कि 2023 में आते आते ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, लगभग 142 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या हो चुकी है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये आज़ादी के बाद की घटना यहाँ पर हुई है 1951 से लेकर 1981 तक, ठीक है।
इनको समझाने वाला कोई नहीं था, है ना। थोड़ा सा ये फ्री हुए, टाइम मिला, अंग्रेज़ों से इनका छुटकारा मिला, है ना। वो तो इनको ठीक रखते थे, लेकिन जैसे ही ये फ्री हुए, इन्होंने अपना भाई साहब रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर निम्नलिखित में से किस शहर को या किन शहरों को आपस में जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर को, शिलोंग और कांडला को, ईटानगर और द्वारका को, गुवाहाटी और गांधीनगर को, है ना। गुवाहाटी और गांधीनगर को बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 पर अटका हुआ है, यहां जनसंख्या 142 के पास जा चुकी है ना। क्वेश्चन 12 में कुछ नहीं है भाई, जनसंख्या देख कहां जा चुकी है, ठीक है। हाँ, काम नहीं था, रोना सिंह, बहुत बढ़िया, है ना। इनको पता है काम नहीं था, है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए यानी कि 1, ये सिलचर और पोरबंदर। अच्छा, पोरबंदर तो आपको पता है कहाँ पर है, ये गुजरात में है। क्या बताएंगे सिलचर कहाँ पर है, क्या बताएंगे आप सिलचर कहाँ पर, क्या बताएंगे सिलचर कहाँ पर है भाई, सिलचर कहाँ पर है भाई। राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास एक बार ये सभी बच्चों तक पहुंचे भाई। चलिए सिलचर बताएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 क्या हो जाएगा, ठीक है ना। पूरब से पश्चिम, तो ये आपको पता है कि पूरब में होगा सिलचर, है ना, पूरब में होगा। पश्चिम में क्या चला गया, पोरबंदर चला गया है, है ना, पोरबंदर चले जाएंगे। आपको चारों दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, चारों बिंदुओं का आपको पता होना चाहिए, है ना, चारों बिंदु आपको पता होने अनिवार्य है भाई। हमारा पूर्वी बिंदु है, इसको गोर माथा कहा जाता है, गोर माथा या फिर गोर माथा इसको कहते हैं, गोर माथा इसको कहते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथू, जो कि कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। सबसे दक्षिणतम बिंदु ये मुख्य भूमि पर है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर है आपका इंदिरा कोल, इंदिरा कोल जम्मू एंड कश्मीर में, जबकि सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए भारत का, ये इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है भाई, इंदिरा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट सही आंसर हो जाएगा। तो अगर मुख्य भूमि पर बात आती है, अगर मुख्य भूमि पर बात आती है तो कन्याकुमारी टिक करना है। अगर बात आती है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो फिर आपको इंदिरा पॉइंट याद रखना है। इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इंदिरा कोल कहाँ पर है, ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर में, जबकि इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। किबिथू आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है, जबकि आपका पश्चिमी बिंदु आपका गोर माथा हो जाएगा गुजरात में। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट किसी को अभी पूछ लीजिएगा, कोई अगर डाउट है आपको, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट है। ठीक है, चलिए जल्दी से, आपको भाई बोला है, चलिए भाई, नाम ही आपका ऐसा है तुलसी, तुलसी तोमर समझ में नहीं आता, है ना। ठीक है चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वाजवूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? ये कथक हो जाएगा, ये मोहिनी अट्टम हो जाएगा, है ना, ये आपका कथकली हो जाएगा, ये भरत नाट्यम हो जाएगा। वाजवूर की हम बात कर रहे हैं, है ना, वाजवूर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे। हाँ वाजवूर किस शास्त्रीय क्लासिकल डांस की एक शैली है, भरतनाट्यम की। ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। भरतनाट्यम जो है ये कहाँ से है, तमिलनाडु से भाई, है ना, ये तमिलनाडु से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, तमिलनाडु से है, ध्यान रखेंगे। कथकली कहाँ से है, ये केरल से है। मोहिनी अट्टम कहाँ से है, केरल से है। कथक कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से है, ध्यान रखिएगा।
क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट जल्दी से बताएंगे, हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म कितना है बताइएगा जल्दी से, फटाफट आंसर करते रहें। वॉइस प्रॉब्लम आप मत कहना वॉइस प्रॉब्लम है ना, वरना उल्टे लटका दिए जाओगे। सही चल रहा है सब कुछ। अवर्णिक लवण जिसको ल्यूकोप्लास्ट का कहते हैं का कौन सा रूप तेल संश्लेषण और संश्लेषण और भंडारण में दक्ष होता है? पराग कणों में उन कोशिकाओं की परत में मुख्य रूप से पाया जाता है जो पराग कणों को विकसित करता है। इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसको जेरोटोप्लास्ट कहते हैं, इसको प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं, या फिर इसको इलायोप्लास्ट कहते हैं। इलायोप्लास्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बातें क्लियर हुई यहाँ तक? चलिए भाई, तो इसको इलायोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा आपका। अवर्णिक लवण जो कि तेल संश्लेषण और भंडारण में दक्ष होते हैं और इनको प्राकणों में उन कोशिकाओं की परत में मुख्य रूप से प्राकरण को विकसित करने की क्षमता होती है, इसको हम इलायोलास्ट कहते हैं भाई। अर्जुन सिंह धुर्वे को किस राज्य के बैगा नृत्य में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल? अर्जुन सिंह धुर्वे वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2023, है ना, 2023। क्वेश्चंस में मिस्टेक है इसमें कहीं भाई, चलिए कोई नहीं। अर्जुन सिंह धुर्वे किससे संबंधित है? यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। बैगा नृत्य कहां से है? यह मध्य प्रदेश से है आपका। चलिए भाई, अगस्त 2021 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दी गई घोषणाओं के अनुसार समग्र शिक्षा योजना 2 की अवधि 1 अप्रैल 2021 से कब तक है? 1 अप्रैल 2021 से कब तक है बताइएगा? ये 31 दिसंबर 2024 तक, 31 दिसंबर 2021 तक, 31 मार्च 2023 तक या फिर 31 मार्च 2026 तक? अकॉर्डिंग टू बी द अनाउंसमेंट मेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन अगस्त 2021, टेल हाउ मच इज द ड्यूरेशन ऑफ समग्र शिक्षा योजना 2 अप्रैल 2011? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 31 मार्च 2026, है ना, 31 मार्च 2026। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आरबी एएलपी प्लस टेक्नीशियन की जो आपकी वैकेंसीज अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके लिए आपका पायलट बेंच यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। क्लासेस आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलने वाली हैं, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, डाउट सेशंस आपके लिए रखा गया है। ऑफर अभी चला हुआ है भाई आपके दोनों टेस्टों के लिए। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और सीबीटी 2, यानी कि दोनों की कंबाइंड आपको तैयारी कराई जाएगी मात्र 350 में। अभी ये ऑफर है, ये प्राइस जल्द ही हाइक हो जाएंगे, है ना, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, है ना, सीमित समय तक के लिए है, ठीक है ना। चलिए दूसरा, यहाँ पर यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए आपका जो टेस्ट पेपर है या जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये लॉन्च कर दिया गया है। 10 आपको प्रीवियस मिलेंगे, 5 आपको इसमें इसी बेस्ड पर ऐसे ही टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए, है ना। इसका जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। स्वयं सहायता समूहों में ऋण और बचत संबंधी निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है बताइएगा? आवाज़ सही नहीं है क्या? प्रॉब्लम आ रही है भाई आवाज़ में यार, यहाँ से तो सही है, ओके है बिल्कुल। चेक करेंगे एक बार, चलिएगा एक बार सभी बच्चे मिलकर सेशन को लाइक करें, शेयर करें, है ना, जिससे क्लास एक बार सभी बच्चों तक पहुंचे, है ना, सभी बच्चे एक बार क्लास से जुड़े भाई, बहुत बढ़िया, है ना। बताएंगे एक बार आवाज़ सही से आ रही है आपको या नहीं, आ रही होगी एक बार चेक कीजिएगा, चेक करेंगे एक बार सभी बच्चे,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो इसमें जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प जो ग्रुप होते हैं इनको हम कहते हैं स्वयं सहायता समूह। इसमें ऋण व बचत से संबंधित निर्णय जो होता है ये समूह के सदस्य के लोगों के द्वारा ही लिया जाता है। जैसे आपने कोई संगठन बनाया है ना, कोई आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, इसमें आप 10 लोग शामिल हैं। इसका मेन मोटिव होता है कि ये नॉन प्रॉफिटेबल होता है ना, ये क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन ये प्रॉफिटेबल जो है ये अपने सदस्यों के निर्णय से ही प्रॉफिट को क्या करता है, साझा करता है ना। अपने सदस्य जितने भी इसमें शामिल हैं है ना, वो आपने गांव में भी देखा होगा कि कुछ महिलाओं को जोड़कर एक समूह बना दिया जाता है। कोई कताई का काम करता है, कोई बुनाई का काम करता है, कोई छोटे मोटे काम जानता है तो उसको काम दे दिया जाता है, तो वो अपने में ही प्रॉफिट को शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उन पर जो उसके सदस्य हैं, और कोई इसमें निर्णय नहीं ले सकता। इस बात को आपको विशेष तौर पर याद रखना होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 14। जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शंस आपको दिया है, लाल बहादुर शास्त्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस थे। व्हेन द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वॉज प्रिपेयर्ड इन इंडिया वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जो पंचवर्षीय योजना की प्लानिंग की गई इसके अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग जिसको हम कहते हैं भाई, योजना आयोग जिसको हम कहते हैं, बताइएगा। कचर कचर हो रही है भाई, अब बताइए कचर कचर को कैसे, कचर कचर को सही किया जाए। यहां से तो प्रॉपरली सही है सब मामला। हाँ, हेडफोन का यूज कर रहे होंगे, ये हो सकता है हेडफोन का ये यूज कर रहे होंगे बच्चा लोग। हाँ ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1950 में जब इसे स्थापित किया गया योजना आयोग को, तो इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि योजना आयोग को कब समाप्त किया गया, तो 31 दिसंबर 2014 में है ना, 31 दिसंबर 2014 में, और ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 31 दिसंबर 2014 में, और ध्यान से सुनेंगे, इसके अंतिम अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो कौन थे, ये थे अंतिम अध्यक्ष मनमोहन सिंह, मनमोहन, मन को मोहने वाले सिंह है ना, मनमोहन इसके अंतिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए, और अगर पूछ लिया जाए कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, जो नीति आयोग था इसका गठन कब हुआ, तो क्वेश्चन ये भी आपसे बन सकता है, तो ये 2015 में इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये भी याद रखेंगे आप सभी बच्चे, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट है तो लिखिएगा। राज्य कार्यकारिणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 152 में वर्णित है कि जब तक किसी संदर्भ में आवश्यक हो अभिव्यक्ति राजा में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के निर्णय में है। इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस का लेवल है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस का ये लेवल है भाई, ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस का, अच्छे लेवल का ये क्वेश्चंस है भाई, है ना, बताएंगे जल्दी से, जल्दी से आंसर करें। सत्य कथन आपसे पूछ रहा है ना, सत्य कथन इसमें पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर आपका, ये हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में वर्णित, जब तक किसी संदर्भ में आवश्यक न हो अभिव्यक्ति राजा में जम्मू एंड कश्मीर शामिल नहीं है। राज्य में भाई, ये राजा में नहीं, राज्य में है ना, राज्य में, ठीक है,
सातवें संविधान संशोधन अधिनियम में से एक ही व्यक्ति को दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किसका है? यह हमारे राष्ट्रपति का है ना। और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि राज्य का कार्यालय केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगा, राज्यपाल का कार्यालय। बिल्कुल ये बात गलत है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शंस बिल्कुल इसमें गलत है, क्योंकि राज्यपाल का कार्यालय किसके सहयोग से कार्य करता है? ये कार्यपालिका, जो हमारे राज्यों की कार्यपालिका होती है ना, हमारे राज्यों की जो एग्जीक्यूटिव होती है उसके अधीन कार्य करता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया भाई, क्लियर हुआ, ए और बी दोनों क्वेश्चन इसके सही हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर आपका 16। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान कहा जाता है। नेत्र, आधार, ट्रिगर बिंदु या फोकस बिंदु। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ क्लेम एरिया, इट इज कॉल्ड ऑफ स्ट्रोम। इसको हम क्या कहते हैं। चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं, बहुत बढ़िया भाई, नहीं मनमोहन सिंह है अंतिम, ठीक है, उसको चेक करेंगे, मनमोहन सिंह होंगे अंतिम योजना आयोग के अध्यक्ष, क्लियर, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष जो थे ये मनमोहन सिंह थे, ठीक है। इसको कहते हैं नेत्र, क्या कहते हैं इसको, नेत्र कहा जाता है। चक्रवात का जो केंद्र है एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का नेत्र कहते हैं। आपने चक्रवात देखा है नहीं देखा है? चलिए आपको चक्रवात दिखाने का हम प्रयास करते हैं। बवंडर, बवंडर देखे हो नहीं, ऐसे 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 जो घूमता है, ये ऐसे ऐसे जो घूमता है ना, ये क्या होता है, ये बवंडर होता है। इसका जो शांत क्षेत्र है इसके चारों तरफ क्या होता है, तूफान उठता है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये इसका शांत क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है, शांत, और इसी को हम कहते हैं नेत्र, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, नेत्र कहते हैं। ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ए सही होगा, इसको हम नेत्र कहते हैं। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ देखा है बिल्कुल, जब बवंडर उठते हुए देखा है इनको, बबूला, हाँ अलग अलग क्षेत्रीय नामों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पर बबूला, कहीं पर बवंडर, कहीं पर तूफान, कहीं पर आंधी इसको कहा जाता है, ठीक है। लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था, कलकत्ता, लखनऊ, बॉम्बे या इंदौर, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? लता मंगेशकर कौन थी, एक संगीतकार थी भारत की। लता मंगेशकर जी के नाम पर एक चौक स्थापित किया गया है अयोध्या में, है ना, कहाँ पर, अयोध्या में भाई, ध्यान रखिएगा। तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था इंदौर में, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका डी सही हो जाएगा, और ये लगातार सातवीं बार सबसे स्वच्छ शहरों में आता है, सबसे स्वच्छ शहरों में ये आता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय तब प्रयुक्त होता है जब CHO समूह किसी विलय या विलय तंत्र के कार्बन परमाणु या विषम परमाणुओं से जुड़ा होता है? इसको एमाइड कहते हैं, इसको नाइट्राइल कहते हैं, या फिर इसको कार्बोनिलहाइड इसको कहा जाता है, या फिर हैलाइड इसको कहते हैं भाई, इसको क्या कहा जाता है? विच ऑफ द सफिक्स इज यूज्ड व्हेन CHO ग्रुप इज अटैच्ड टू ए कार्बन एटम फॉर द हेटरो एटम ऑफ रिंग्स सिस्टम, बताएंगे।
एक प्रॉब्लम है भाई, दो बताएं एक क्या क्या करेंगे। सिंगल प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता भाई किसी का, बताइएगा। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसको, कार्बोहाइड्रेट इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसको सही हो जाएगा भाई। ठीक है चलिए भाई, हाँ अच्छा एमपी महान है सर, बहुत बढ़िया भाई। बातें नहीं करनी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 19। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 19, इसको हस्त्याध्यक्ष इसको कहते थे, रथाध्यक्ष इसको कहते थे, या अश्वाध्यक्ष इसको कहते थे, या फिर इसको पत्याध्यक्ष इसको कहा जाता था, जो घुड़सवार हुआ करते थे, हॉर्स राइडर जिनको कहते थे, इनको क्या कहा जाता है भाई? रिलेशन निकाल रहे हैं यहाँ तो यार, कोई हरियाणा से है सर, मैं हरियाणा से हूँ। हाँ सिंगल रहोगे तो प्रॉब्लम भी सिंगल होगी, प्रॉब्लम डबल कर लो भाई, है ना, और डबल के बाद कितनी प्रॉब्लम होगी ये तुम नहीं जानते, है ना, फिर प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती जाती है साल दर साल। ठीक है चलिए, इसको अश्वाध्यक्ष इसको कहते हैं ना, अश्वाध्यक्ष इसको कहा जाता था कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। ये कौटिल्य कौन है? इन्हीं को हम विष्णुगुप्त कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम विष्णुगुप्त कहते हैं भाई, और विष्णुगुप्त को हम क्या कहते हैं? चाणक्य, चाणक्य इनको कहा जाता है, जिन्होंने क्या किया था? चंद्रगुप्त को एक महान शासक बना दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को एक क्या बना दिया था? महान शासक बना दिया था। तो इनमें जो घुड़सवार हॉर्स राइडर हुआ करते थे, इसके जो सेनापति थे, अधिकारी थे, उनको क्या कहते हैं? उनको अश्वाध्यक्ष कहा जाता है भाई, ठीक है ना, उनको अश्वाध्यक्ष कहा जाता है। चलिए, कार्ल फ्रेडरिक ग्रोस और विलहेम एडवर्ड बेवर ने दुनिया के पहले विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार कब किया था, है ना? तो ये 1832 में, 1833 में, 1813 में, 1831 में कब किया था भाई, बताएंगे? अच्छा एग्जाम के दिन आपके घर पर शादी है, तो आप क्या करेंगे भाई? शादी में जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे? क्योंकि एग्जाम तो रोज होता है, शादी कब कभी होती है। आंसर कीजिएगा, वेरी गुड, 1883 सही आंसर क्या हो जाएगा? 1883 ऑप्शन नंबर यहाँ 20 का आपका बी सही होगा। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप कब जीता था? 1978, 71, 82 या फिर 75 कब जीता था पहली बार हॉकी में खिताब, बताएंगे? अग्निवीर का जो आपका फॉर्म है, ये हो सकता है कि फरवरी के इस वीक में आ जाए, इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट में आएगा, और आपका 17 अप्रैल में एग्ज़ाम होना है आपका अग्निवीर का। तो भाई साहब जो अग्निवीर हैं, ये थोड़ा सा अपने आप को एग्ज़ाम मोड में लेके जाएं, है ना, एग्ज़ाम मात्र एक महीना बीच में आपको मिलेगा, यानी कि मार्च बीच में है आपका, है ना, तो अभी से तैयारी में जुट जाइएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपको बाद में जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका लगभग कोर्स कंप्लीट वहाँ पर हो चुका होगा। ठीक है, तो भारत ने जो हॉकी में स्वर्ण जीता था, किताब जीता था, ये 1975 में जीता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूँ, है ना, 1932 में भारत ने पहला गोल्ड लिया था, है ना, ये ब्रिटिश भारत था उस समय, क्या था भाई, ये ब्रिटिश भारत था, ध्यान रखिएगा, और ये बात है स्वतंत्र भारत की, है ना, ये बात है स्वतंत्र भारत की, यानी कि भारतीयों के भारत की ये बात है। ठीक है चलिए, कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को अक्षर ई से निरूपित किया जाता है? उष्णकटिबंधीय समाना
ध्रुवीय प्रकार, गर्म रेगिस्तान, शुष्क ग्रीष्म के साथ मानसून, है ना। तो बताइएगा इसको किस रूप में प्रमाणित किया जाता है, बताइएगा। मीना सिंह राठौर, पहले आप ना मतलब दूसरे का नाम छांटते हो, फिर अपना जब छटता है तो फिर आप कहते हो सर जी हमारे साथ में ऐसा कर दिया, है ना। दूसरे को पिच करना है पहले और फिर बाद में सर जी मुझे ऐसा बोल रहा है, मुझे ऐसा बोल रहा है। छेड़छाड़ करने की आदत तुम्हारी है। ध्रुवीय प्रकार, ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका, बी सही होगा, ये ध्रुवीय प्रकार इसका सही आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, क्वेश्चन नंबर 23, जर्मनी से, यूएस से, यूके से, या सोवियत संघ से, या फिर सोवियत संघ से। मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है ये जर्मन से ली गई है, यूके से, सोवियत संघ से, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के आर्टिकल 51A से लेकर, है ना, 51A से लेकर 51A तक ही है बस भाई, लेकर नहीं यहीं तक हैं। भाग 4K में इनका वर्णन है, 4K में इनका वर्णन है, ये वाद योग्य नहीं है, है ना। और इनको 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पर याद रखना है आपको, इसमें जो 11वां संविधान संशोधन था, या 11वां सॉरी मौलिक कर्तव्य था, ये 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2022 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, 2002 के द्वारा यूएसएसआर से। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में FHI हॉकी 5S महिला खिताब किसने जीता, हॉकी FS महिला खिताब किसने जीता, एक बार फिर से, क्या फिर से, मौलिक कर्तव्य होगा यार ये, हम मौलिक कर्तव्य नहीं है भाई, फिर से क्या पढ़ना है, बताएंगे। ठीक है चलिएगा। किसने जीता है, भारत ने, नीदरलैंड ने, पोलैंड ने, या फिर पाकिस्तान ने, किसने जीता है भाई, नीदरलैंड ने जीता है, किसको हराकर, भारत को हराकर, है ना। भारत इसमें उपविजेता बना है, क्या बना है, उपविजेता बना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। वहीं पर नीदरलैंड इसमें विजेता बना है, विजेता बना है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। चलिए, हाल ही में चौथे ऑरेंज फेस्टिवल किस शहर में मनाया गया है, ऑरेंज फेस्टिवल ये अगरतला में, नागालैंड में, सूरत में, या फिर गांधीनगर में, बताएंगे। हेल्प चाहिए गुरुदेव आपकी, मिल जाएगी क्या, हेल्प मेरी जेब में नहीं है भाई, खाली है जेब, बताइए क्या हेल्प चाहिए। चलिएगा, तो सही आंसर क्या होगा, उपविजेता मतलब सेकंड विनर, सेकंड पोजीशन पर आने वाला, ठीक है, सेकंड विनर, नागालैंड कोहिमा, नागालैंड कोहिमा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस क्या होगा, बी सही होगा। चलिए, तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा जरूर बताएं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन है ये आउट हो चुका है ऑलरेडी, इस पर अजय सर ने एक वीडियो बना दिया है भाई, आप उसको देखिएगा एक बार, ठीक है।
हाँ क्यों नहीं कर सकते भाई आप? अग्निवीर का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए पायलट बैच लॉन्च कर दिया गया है जिसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों आपको मिलेंगे, मात्र 350 रुपये में आपको दिया जा रहा है, जिसमें क्लास लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, क्लास नोट्स हैं, डाउट सेशंस हैं, एक्सपर्ट हमारी टीम के द्वारा इसको बेहतर तरीके से आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। ये यूपी पुलिस के लिए है भाई, आपका प्रैक्टिस सेट, इसमें आपको 10 प्रीवियस मिलेंगे, 5 सेट मिलेंगे, बिल्कुल विद एक्सप्लेनेशन, बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो क्लासेस चलती हैं रात 8 बजे चलती हैं, सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स है, 8 बजे आपकी मैथ्स है, 9 बजे इंग्लिश है, 10 बजे 11 बजे GKGS है, 2 बजे फिर GKGS है, 4 बजे रीजनिंग आपका हो जाएगा, 5 बजे हिंदी हो जाएगा, है ना, 8 बजे आपका मैथ्स और रीजनिंग हो जाएगा, 9 बजे आपका फिर से हिंदी है, 10 बजे आपका रीजनिंग है। इस प्रकार से आपका पूरे दिन की दिनचर्या है, इसको नोट डाउन आप कर लेंगे भाई, अपलोड हो जाएगा। यार हमारा ना सिस्टम थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, इसलिए क्लास नहीं हो पाया, उम्मीद ये है कि कल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये था आज का सेशन, सभी बच्चे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपको कुछ लिंक दिए गए हैं, इंस्टाग्राम लिंक है, ये आपका टेलीग्राम लिंक है, है ना, ये आपका ट्विटर है, ये आपका यूट्यूब है, ये आपका एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है। तो ये था आज का सेशन, सेशन को सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे भाई, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।